शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। लीजिए माँ जी, आपके लिए स्पेशल गर्मा गर्म चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है। चीनी तो नहीं डाली? नहीं। हाँ, एकदम बिना चीनी वाली। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की जल्दबाजी हो रही है? चाय तो पीकर जाओ भानु। नहीं अम्मा, फैक्ट्री के मजदूरों ने तनख्वाह बढ़ाने की मांग पर हड़ताल कर दिया है। उन दो कोड़ी के मजदूरों को उनके औकात दिखाने जा रहे हैं। आप देखिएगा, जाके दो मिनट में सब ठीक कर देंगे। अच्छा, अगर दो मिनट में ही सब कुछ ठीक करना है तो इतनी जल्दबाजी की क्या बात है? आओ बैठो, चाय पीकर जाओ। बैठी बैठी चाय पीकर जाइए, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए करें। मजदूरों का गुस्सा चाय पे क्यों निकल रहा है? तुम एक काम करो भानु, तुम रहने दो, करण चला जाएगा, तुम आराम से चाय पियो। लेकिन अम्मा। दादी माँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, और चाचू जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। मजदूरों को समझाना है, डराना नहीं। भानु जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी, इसीलिए करण आपका जाना ही उचित होगा। दादी माँ, अम्मा जब करण इतने से थे ना, उस वक्त भी फैक्ट्री में हड़ताल हुआ करते थे, और तब मजदूरों को समझाने के लिए आप ही हमें भेजती थी। हाँ भेजती थी, और उसके परिणाम भी हमें याद है। तुम्हारे समझाने से 2 महीने की मजदूरों की हड़ताल 5 महीने तक चली थी, याद है? माँ जी, लेकिन वो सब तो पुरानी बातें हैं ना, आप इन्हें एक मौका देकर तो देखिए। बात को समझने की कोशिश करो, नहीं होगा तुम्हारे पतिदेव से। पिछले 5 सालों में हमारा बिजनेस जिस मुकाम पे है वो सिर्फ करण की वजह से है। भानु बिजनेस को नहीं संभाल पाता, हमने देखा है, इसीलिए हमारा यही निर्णय है कि भानु बिजनेस में दखलंदाजी नहीं करेगा। अरे कहाँ जा रहे, चाय तो पीकर जाइए। क्या दादी माँ, अभी मेरे सामने चाचू को ऐसा बोल देती हैं? करण, आप भानु की चिंता ना करें, आप फैक्ट्री जाइए और उसे संभालिए। लेकिन दादी माँ, ये सही नहीं है। एक बात तो रहेगी, कल हमारी आपसे बात नहीं हो पाई थी, आपको पूर्वा कैसी लगी? दादी माँ, छोटे वर्ग के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है उससे इंसान की असलियत का पता लगता है, और पूर्वा थोड़ी सी घमंडी है। अरे तो इसमें क्या गलत है? राजवंशी खून में घमंड ना हो तो चिंता करने की बात होती है। दादी माँ, घमंड और घुरूर में फर्क होता है, तो यही पूर्वा को समझना है। तो शादी के बाद आप समझा दीजिए उसे, नहीं तो हम हैं, हम समझा देंगे। आप इस बात की चिंता ना करें, आप फैक्ट्री जाइए। दादी माँ, मैं चलता हूँ। यशस्वी बो। पृथ्वी, अरे नाश्ता लग गया, आ जाओ। हाँ माँ, बस हाथ धो के आया। हाँ माँ, बस आ रही हूँ। जल्दी स्टार्ट हो जाना यार। अच्छा तो ये बात है,
हाल दिखाओ ना। माँ ने आज तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया। खा तो रही है। अब समझ में आया आयुष्मान के चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए थे। या तो करण सर की बात वो जान गया या फिर दीदी ने आयुष्मान को मना कर दिया। आयु को फोन करके बता देती हूँ कि मैं आज लेट आऊंगी दर्शन करके। ये आयु भी ना कभी टाइम पे फोन नहीं उठाता वो डफर। और आप क्या मुझे ऐसे घूर के देख रही हो? मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज हमारी काव्या हमारे साथ मंदिर कैसे चली आई। बस मन किया तो चली आई। जरूर कोई और बात है। लगता है हमारी बेटी को भगवान से कुछ चाहिए तभी मंदिर आई है। नहीं माँ आप भी ना कुछ भी बोलते हो। अच्छा माँ मुझे एक बात बताओ यहाँ पे जो भी मांगेंगे वो मिल जाता है क्या? मुझे शिवजी से क्या मांगना है? वो मैं आपको क्यों बताऊँ? वो तो मेरी और शिवजी के बीच की बात है। और हाँ आते समय ना 5 चमेली के फूलों की माला लेकर आना। क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा था कि अम्मा ने गलत नहीं कहा। मतलब आज तक हमने किया ही क्या है? इसलिए हमने फैसला किया है कि अम्मा की नजर में लायक बनने के लिए हम कुछ भी करेंगे। क्या करने का सोच रहे हैं आप? करण को आराम देने की। हाँ? बेचारा सालों से मेहनत करके थक गया होगा और जब तक करण आराम नहीं करेगा तब तक हमें काम करने का मौका नहीं मिलेगा। करण से उसकी सांसें छीनकर उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए आराम दे दूंगा। क्या? पहले अनाथालय जाएंगे उसके बाद फैक्ट्री जाएंगे। हे शिव शंभु मां सही कह रही थी। मुझे माफ करना। मैं पूछा करने तभी आती हूँ जब मुझे अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ मांगना होता है। पर आपको तो पता ही है कि करण सर मेरी लाइफ से जुड़ चुके हैं। जुड़े हैं या नहीं ये तो नहीं पता पर मैंने तो उन्हें अपना राजकुमार मान लिया है। मेरा हमसफर मेरा जीवन साथी। मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी कृपा दृष्टि करण सर पर बनाए रखें। मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप भूलेंगे नहीं हमेशा हमेशा करण सर की रक्षा करेंगे।
आपको हमेशा याद दिलाती रहूंगी कि उनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, हमेशा हमेशा के लिए। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।